हाय फ्रेंड्स, डाइटिशियन अपर्णा है। आज हम बनाएंगे रागी के अप्पे। इसके लिए हमने एक कटोरी रागी का आटा लिया है और इसमें हम एक कटोरी दही मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना बैटर हम देख लेंगे। उसका कंसिस्टेंसी अगर बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा है अगर हमारा बैटर, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मिलेट्स के बारे में बहुत आ रहा है। मिलेट्स के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में एटलीस्ट एक मील में कोई ना कोई मिलेट ज़रूर खाएं। जब हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालनी है। जो भी आपके पास घर में वेजिटेबल्स है, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, प्याज, उन सबको छोटा छोटा चॉप कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास घर में स्प्राउट्स, जैसे कि मेरे पास स्प्राउट्स पड़े हैं, स्प्राउट्स हैं, तो आप इसमें स्प्राउट्स भी थोड़े से डाल सकते हैं। इससे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें एक चम्मच साबुत राई डालेंगे और एक चम्मच साबुत ज़ीरा, एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और लाल मिर्च पाउडर। अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी है। अब हम अपना जो पैन है, अप्पे पैन, इसको ऑयलिंग कर लेंगे और उसके बाद जो बैटर है इसको अप्पे पैन में डाल देंगे और पैन को हम गैस पे रख देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम कुक करेंगे और जैसे ये हमारा कुक हो जाएगा इसको टर्न कर लेंगे। विद इन 10 मिनट्स हमारे अप्पे रेडी हो जाएंगे। इनको दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए आप। रागी में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है जिससे हमारी बोन स्ट्रांग रहती है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है और एनीमिया को ट्रीट करती है। लैक्टेशन में बहुत अच्छी रहती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हम इन्हें चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।